एक क्रिकेट मैच खेल के हारे तो नींद नहीं आती हमें, फ्रेंड सर्किल में छोटा मैच खेल के हार गए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है हमें, फिर वालिद की मेहनत, सख्त मेहनत के पैसे लग रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे लग रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे लग रहे हैं रिजल्ट, पैसे फेल, पैसे फेल, पैसे फेल, पैसे फेल। वो सीना वालिद का क्या बोलता होगा जो आंसुओं को छुपाता है। अल्लाह का कमांड है, हुकुम है अल्लाह का, उफ तक ना कहो पेरेंट्स को, उफ उफ तक ना बोलो। आज मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, वालिद पसीनों में कहां कहां घूम घूम कर पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा जमा करके आपको स्कूल्स में एडमिशन दिलवाए, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, छह साल, सात साल, आठ साल, नौ साल, दस साल, ग्यारह साल, बारह साल, पंद्रह साल मेहनत करके पढ़ाए और पंद्रह साल के बाद जनाब कुछ भी नहीं पढ़े, निकम्मा निकल गए। वालिद को क्या होता होगा। एक क्रिकेट मैच खेल के हारे तो नींद नहीं आती हमें, फ्रेंड सर्किल में छोटा मैच खेल के हार गए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है हमें, फिर वालिद की मेहनत, सख्त मेहनत के पैसे लग रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसे लग रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसे लग रहे हैं रिजल्ट, पैसे फेल, पैसे फेल, पैसे फेल, पैसे फेल। वो सीना वालिद का क्या बोलता होगा जो आंसुओं को छुपाता है। वो दर्द महसूस करना है प्यारे बच्चों, आप लोग जो आपके वालिदैन ने पैसे लगाकर आपको बड़ा किया, ऐसे कई दिन गुजरे होंगे, ऐसे कई रातें गुजरे होंगे, ऐसे कई ईदें गुजरे होंगे जो वालिद ने कपड़े नहीं पहने, आपको नए कपड़े पहनवा, माँ फटे कपड़ों में ईद गुजार ली लेकिन अपनी बच्चियों को नए नए जाकर के कपड़े दिलाकर सजा कर ईद जो है सेलिब्रेट की है। इतने कुर्बानियां अपने वालिदैन आप पर दिए हैं और आपने क्या दिया है, जवाब, गाली, गुस्सा, ये चीज दे रहा है आज का यूथ अपने वालिदैन। अल्लाह का कमांड है, हुकुम है अल्लाह का, उफ तक ना कहो पेरेंट्स को, उफ उफ तक ना बोलो। आज मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज तो बहुत दूर है, उफ नहीं बोल सकते हो आप अपने पेरेंट्स को। ये इस्लाम सिखाता है हमें, और हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, आप हजार साल जीने आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 20-30 साल, 40 साल के बाद सबने मरना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, वो असल जिंदगी, वो असल इम्तिहान है। 30 साल जब मेरी उम्र थी तब मैंने डू और डज को सीखना शुरू किया, लेट से शुरू किया कि नहीं किया। When I was 30 years, मुझे इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करने नहीं आता था, खड़े होके बात करने नहीं आता था। या अगर कोई 20 साल का बच्चा सीख रहा है तो आप मुझसे 8 साल पहले आपने डिसीजन ले लिया है लाइफ में। Get it everybody? आप लोग यहां से भी बुलंदियों को छू सकते हैं इंशाअल्लाह, लीडर्स बन सकते हैं आप लोग, इल्म से जाने जा सकते हैं आप लोग, तवाफ करेंगे लोग आकर के, मिलना पसंद करेंगे आपसे। सिर्फ दीवानगी की हद तक आपने मेहनत करना है। ये चैलेंज लो कभी जिंदगी में, चैलेंज लेने वाले ही कामयाब होते हैं, पीछे कदम लेने वाले कभी कामयाब नहीं हुए, सामने जाने वाले ही, आगे कदम बढ़ाने वाले ही कामयाब हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कदम आगे बढ़ाएं, आप आए और बोले कि मैं जी जान लगा दूंगा और मैं सीखूंगा, यहां खाली हाथ यहां से नहीं जाऊंगा। कौन है शेर जो पहले आए बोले, इंशाल्लाह इन 25 दिनों के अंदर जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा और आप में चेंज पाऊंगा। मैं इंशाल्लाह 25 दिन में अपना आपको बदलने की कोशिश